अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कंडीशनर का रिव्यू शेयर करूंगी और उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में आपको बताऊंगी। कहां से मिलता है, कैसे मिलता है और उसे कैसे यूज़ करना चाहिए, क्या क्या फ़ायदे हैं, सब कुछ ऑनेस्टली आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली रेमेडीज़, DIYs और हैक्स आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो फ्रेंड्स, इसका नाम है डव। डव बिल्कुल हर किसी को पता है, लेकिन आजकल इसमें जो है काफ़ी फ्लेवर आ चुके हैं तो चूज़ करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सा चूज़ करें, कैसे यूज़ करें, क्या करना है, नहीं करना है। और काफ़ी लोग ऐसे ही कहते हैं कि ये आम है, ये इसके इनके रिज़ल्ट ऐसे हैं, वैसे हैं। तो उनको मैं ये बताऊँगी कि डव बिल्कुल जो है आम तो है, लेकिन इसमें काफ़ी फ्लेवर आ चुके हैं। तो उनमें भी ऐसे होता है कि हम अपने बालों के हिसाब से चूज़ करते हैं। तो इसमें एवोकेडो और कैलेंडुला यानी कि गेंदा फूल की जो हैं खसूसियात शामिल हैं, वो हमारे बालों को काफ़ी हमारे बालों के लिए बेहतरीन होता है। उसके जो एक्सट्रैक्ट्स होते हैं वो हमारे बालों को शाइनी करते हैं और झड़ने से रोकते हैं। काफ़ी बेहतरीन और अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और ख़ास करके जिन लोगों के बाल टूटते हैं, छोटे छोटे से होके टूट जाते हैं, तो कहते हैं हमारे बाल बीच बीच में से टूटते हैं, तो उनको ये रिपेयर करता है और टूटने से काफ़ी हद तक ये रोकता है। ख़ास करके आपके बालों को हेयर फॉल से बिल्कुल रोकता है। और जो नाशपाती है वो आपके बालों को हेल्दी रखते हैं। ये गेंदा फूल और नाशपाती दोनों हमारे बालों के लिए बेहतरीन होते हैं। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे, होम रेमेडीज़ में देखेंगे, तो ये हमारे बालों के लिए बेहतरीन और काफ़ी हद तक डैमेज बालों के लिए इनके अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो आप ये यूज़ करेंगे तो पर्सनली भी मैंने ये यूज़ किया है। मेरी तो ये शुरू से ही आदत है कि मैं शैम्पू के बाद कोई भी कंडीशनर, होममेड जो मैं खुद बनाती हूँ वो भी मैं यूज़ करती हूँ, और प्रोडक्ट जो मुझे अच्छे लगते हैं वो भी मैं यूज़ करती हूँ। तो मैं अपने बालों पे हर शैम्पू के बाद कंडीशनर ज़रूर अप्लाई करती हूँ। कभी भी मैंने अपने बाल कंडीशनर के सिवा जो है ना वॉश नहीं किए। कोई भी शैम्पू अप्लाई करती हूँ जो मुझे सूट करता है, और उसके बाद कोई सा भी कंडीशनर जो होममेड मैं खुद यूज़ करती हूँ, खुद बनाती हूँ, या जो प्रोडक्ट होते हैं, तो अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। इससे जो है आपके बाल कम झड़ते हैं, सिल्की शाइनी आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही हो जाते हैं। और एक सलाह मैं आपको ये भी दूंगी कि हम अपने अक्सर क्या होता है कि गीले बालों में काफ़ी लोग जो हैं वो कंघी कर देते हैं। आप गीले बालों को जो है ब्रश करने से थोड़ा अवॉइड करें, उन्हें थोड़ा सा जो है उनका उन्हें थोड़ा सा ड्राई होने दिया करें, उसके बाद ही आप अपने बालों में कॉम करेंगे तो वो इतने नहीं झड़ेंगे, क्योंकि गीले बाल जो होते हैं वो जल्दी टूटते हैं। जब आप उनमें ब्रश करेंगे तो वो जल्दी टूटेंगे, और जब थोड़े से ड्राई हो जाते हैं तो आप ये ब्रश करेंगे तो आपके बाल जो हैं हेयर फॉल थोड़ा सा कम होता है, और बीच बीच में से जो टूटते हैं, झड़ते हैं, वो बिल्कुल कम हो जाता है। तो ये फर्स्ट वॉश में ही आपको स्मूथ लगेगा। और जब आप ये लगाएंगे अपने बालों में, 5-10 मिनट लगा रहने दें, उसके बाद वॉश करेंगे, आप यकीन माने आप जब अपने बालों में हाथ फेरेंगे इतने स्मूथ हो चुके होंगे एक ही वॉश में, हद से ज़्यादा स्मूथ लगेंगे। वैसे भी डव जो है वो स्मूथनेस में तो पॉपुलर है, ये स्मूथ करता है बालों को, लेकिन जो आप यूज़ करेंगे तो आपके हेयर फॉल पे भी इसका काफ़ी अच्छा फ़र्क पड़ेगा। और ईज़िली मिलता है, और ये 300 में है, उससे थोड़ा कम या थोड़ा ज़्यादा में आपको मिल सकता है, क्योंकि हर जगह की अपनी होती है। ऑनलाइन भी ये तो बिल्कुल मिलता है, लेकिन ये हर मार्केट से आराम से मिल जाता है। तो ये उन लोगों के लिए है जो प्रोडक्ट चूज़ करने में परेशान हो जाते हैं, और काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हमें हर जगह से नहीं मिलते। तो ये ऐसा बेहतरीन है कि आप हर जगह से ले सकते हैं, हर मार्केट हर दुकान से आसानी से आपको ये जो है मिल जाता है। और ये बिल्कुल नेचर से इंस्पायर करके बनाया गया है, क्योंकि इनमें नाशपाती और गेंदा फूल जो इसमें ऐड किया गया है उसकी खसूसियात दी गई हैं, तो इस हिसाब से भी ये काफ़ी बेहतरीन है। आप खुद यूज़ करें और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपके बालों पे जब असर करेगी, स्मूथनेस आ जाएगी आपके बालों में, तो आप ये खुद ही मान जाएंगे जब यूज़ करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, न्यू देखने वाले हैं तो सब्सक्राइब करें, और यूज़ करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। अच्छा रिज़ल्ट मिलने के बाद फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ ज़रूर शेयर करें, और दुआ में कीजिएगा यार। मुझे इजाज़त दीजिए, सुल्तान अल्लाह हाफिज़।